As you know that, this is very important. SDO Ma'am, NC Sahib Ma'am, San Maria Mission, इस पवित्र प्रांगण में सभी बच्चों की ओर से, सभी टीचर की ओर से हम सभी हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और शुभकामना। आज बहुत ही हम सबों के लिए परम सौभाग्य की बात है कि पलामू की पावन धरती पर मैं अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ, बहुत ईमानदारी और लगन के साथ एक पलामू को नए दिशा और दशा देने के काम का और तमाम हमारे देश के चौथे स्तंभ मीडिया बंधु को मैं प्रणाम करता हूँ कि किसी भी उद्योग को बड़ी प्राथमिकता से उठाने का काम और सच्चाई से लिखने का काम हमने किया है। क्योंकि जो व्यक्ति ईमानदारी से काम को करते हैं, बहुत निष्ठापूर्वक इन्होंने लिखने का काम किया और आम आवाम तक पहुंचाने का काम कलम के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से बताया गया। इस शहर में चारों तरफ चर्चाएं हो रही है, बहुत जोर से चर्चाएं चल रही है क्या कि ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई, कैसे अफसर को शायद इस पलामू को धरती छोड़ने की जरूरत थी। क्योंकि ईमानदारी पूर्वक चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में हो, ईमानदारी से विवाद आवाज को उठाने वाली मैम को हम लोग कोटि कोटि नमन करते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि बच्चे के ब्राइट फ्यूचर के लिए कठिन निर्णय लिया था और निर्णय बच्चे के भविष्य के लिए था। कुछ लोग नाराज हो सकते हैं लेकिन मैं समझता हूँ, मैं हमेशा बोला हूँ, जो कठिनतम परीक्षा को पास करके मैम यहाँ तक पहुंची है, 2014 बैच के अधिकारी मैम रही और 37वां रैंक मैम का आया था, शायद राइट हूं, 36वां रैंक मैम का आया था। तो इतना कठिन परीक्षा जब आदमी पास करता है, अंदर मन में वेदना होता है, जहां पर जाएंगे बच्चों को ईमानदारी से पढ़ने के लिए प्रेरणा जगा। अगर बच्चे चिट्ठी करके पास होते हैं वही बेरोजगारी का दंश करते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि कर्म करने वालों से भाता सत्य कुछ ना बता मैं तेरे भाग में क्या लिखा। अगर सबसे कर्म अगर सही हो, ईमानदारी से अगर पढ़ाई की जा रही है, इसे चोरी करने का नौबत बहुत है। कल तुम सीख जाओगे, आज तुम्हें थोड़ा तकलीफ हो सकता है, कल तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत बड़ा कदम हुआ है। और हमेशा प्राथमिकता से शायद मीडिया को भार व्यक्त करता हूँ, हमेशा प्राथमिकता सच्चाई सामने लाने वाला काम, चाहे वो अच्छा काम करता हो स्कूल के क्षेत्र में या वो अफसर हो। क्योंकि जो आज मैं देखता हूँ ग्राउंड में डी सर है, एसपी सर है, मैं उनका जो कम्युनिकेशन का काम करने का, मैं कल बोल रही थी कि अभिनाश अगर अच्छा से अगर कोई व्यक्ति नीचे काम करता हो तो दर्द जरूर है, मन में वेदना है, शायद इतना अच्छा से काम करने वाले पलामू में, पलामू के इतिहास में शायद मैं समझता हूँ कि स्वर्ण अक्षर से लिखा जाएगा। एक साथ एक आज दीदी समान होकर एक महिला होकर भी इतना व्यवहार काम करने के लिए, चाहे वो चक हो, मनातू हो, सुदूर ग्रामीण हो, जंगलों पहाड़ों कंदराओं में हो, व्यवहार लीडर होकर जाने वाली महिला को मैं सम्मान करता हूँ, सर्विस में स्वागत करता, अभिनंदन करता है। जैसे शायद हम समझते हैं कि लड़कियों को प्रेरणा देना चाहिए आपको, और मैं समय हम ऐसी में आज बात करें बच्चों से, क्योंकि प्रेरणा मिले ईमानदारी से काम करें, बच्चे ईमानदारी से काम करते हैं, बच्चे का उज्ज्वल भविष्य होता है, देश का उज्ज्वल भविष्य होता है। मैं विशेष नहीं कहते हुए इतना मैं कहना चाहता हूँ, मैम की बात हम लोग को सुनना है, क्योंकि बहुत दर्द है मन में जरूर है, कैसे अधिकारी को पलाऊ में रहने से हम लोग हौसला बढ़ता है। तो पेपर में बच्चे पढ़ते थे बोलते थे देखो मैम मुझे चेक नहीं करना है, अगर चेक करोगे तो मैं यहाँ पे छापा मार सकता हूँ, प्राइवेट सेक्टर जो भी सेक्टर है अगर तुमने गड़बड़ किए तो तुम्हारा काम नहीं चलेगा। ये उज्जवल भविष्य भी आपके लिए प्रेरणा है, कब से कब ऐसा ईमानदार अधिकारी मिलते हो तो काम करने को मन करता है, लेकिन मन में दर्द है। आज ऐसी घड़ी आई है, कहा जाता है एक ऐसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, लेकिन मैं इतना जरूर मैं कहूंगा मैम जहां भी रहेगी, मैं वादा किया मैं जहां भी रहूंगा, कम से कम जहां भी रहेंगे पलामू को हमेशा याद रहेंगे, क्योंकि पलामू के मैं दिलों में राज करेंगे। कि बहुत कम समय तक मैं कभी क्लास में छोड़ी थी, बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत जीवन में, कभी क्लास में छोड़ी थी, चाहे बीमार पड़े जैसे ही परिस्थिति स्कूल जब तक चला क्लास में छोड़ी थी, आज परिणाम यह है। लेकिन हम सबको ईमानदारी से काम करना है, निष्ठापूर्वक काम करना है और प्रेरणा लेना है, यहाँ से आपसे प्रेरणा लेना हमेशा है, हम कैसे बनेंगे, हम कैसे काम करेंगे,
बनने के बाद हमें काम करने का तरीका क्या होगा। आज अमित सर हैं, एसपी सर हैं, मैम है, लेकिन आज बहुत दर्द होता है। ऐसे अधिकारी को शायद अभी नहीं जाना चाहिए था कि मन में वेदना जो दर्द जरूर हम सभी को है। और मैं कहते बोला भाव पर हम लग रहा है क्या करो, लेकिन हमारी बस की बात संवैधानिक प्रक्रिया है, सरकार का सिस्टम है, हम लोग नहीं कुछ कर सकते। लेकिन फिर मैं प्रार्थना करूंगा ईश्वर से, ईश्वर से दुआ मांगूंगा, है ईश्वर इतनी मुकाम देना मैडम को, इतनी आगे बढ़ाना, कल मैडम डीसी बनकर लाऊंगा और एक नई क्रांति करे, एक नया शुरुआत हो जीवन में, मैं जरूर चाहता हूँ। हम सब का मतलब वेदना एकदम जरूर है। ऐसे भिखारी आए और प्रामु आया कल करे, क्योंकि प्रामु हमेशा मैं उग्रवाद और अपराध के नाम से जाना जाता है। अब फिर मेरे बदल गया, दो सालों पर बदल रहा है धीरे धीरे, डॉक्टरों ने शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र में जाना जा रहा है। ऐसा अधिकारी का आना एक पलामू के लिए सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य की बात है। और हम सबको सीखना चाहिए, लर्न करना चाहिए। हम जिस भी काम में लगे हैं ईमानदारी से काम करेंगे, क्योंकि वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, और थक कर मत बैठना भाई, मंजिल दूर नहीं है, वह समय आ रहा है और कारण आ रहा है। शिक्षा क्षेत्र में क्रांति होगी और पलामू भारत का आईना होगा। जय हिंद, जय भारत।